नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है अदानी ग्रुप की तरफ से, जहाँ पर अदानी ग्रुप ने यह अनाउंस किया है कि वो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में एक डाटा सेंटर को सेटअप करने जा रहे हैं, जिसमें अदानी ग्रुप की तरफ से 2500 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इससे पहले भी तमिलनाडु गवर्नमेंट की 4 और आईटी कंपनीज के साथ चेन्नई में डाटा सेंटर्स को सेटअप करने के लिए 8300 करोड़ की कमिटमेंट हो चुकी है। दोस्तों, हमारे देश में डाटा सेंटर्स की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कमी है, जिस कारण देश के डाटा को दूसरी कंट्रीज में काफ़ी लार्ज स्केल पर स्टोर करना पड़ता था। लेकिन इस तरह के डाटा सेंटर्स सेटअप होने के कारण धीरे धीरे दूसरे देशों से डाटा स्टोर करने की रिक्वायरमेंट खत्म होती जा रही है। और इसका एक और फायदा ये भी है कि इन डाटा सेंटर्स का धीरे धीरे चेन्नई में सेटअप होने के कारण चेन्नई एक डाटा सेंटर हब के रूप में विकसित भी हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से, जहाँ पर रिलायंस ने अनाउंस किया है कि वो गुजरात के जामनगर में वर्ल्ड्स बिगेस्ट जू को सेटअप करने जा रहे हैं। ये जू 250 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जो कि एरिया वाइज नहीं बल्कि इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स में वर्ल्ड्स बिगेस्ट जू होगा। इस जू का नाम ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम रखा जाएगा। और अच्छी बात तो ये है कि जू के लिए DPR रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ये प्रोजेक्ट हमारे टूरिज्म सेक्टर के ग्रोथ में काफ़ी बड़ा योगदान देने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर NLC इंडिया लिमिटेड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक माइनिंग और पावर यूटिलिटी कंपनी है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो यूपी के कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट के घातमपुर में एक कोल बेस्ड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को सेटअप करने जा रहे हैं। इस पावर प्लांट में 660 मेगावाट्स वाले 3 प्लांट सेटअप किए जाएंगे, जिनकी टोटल कैपेसिटी 1980 मेगावाट की होगी। और इस प्रोजेक्ट को LNC इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड मिलकर इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें इनकी तरफ से 17238 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इन 3 पावर प्लांट्स में से पहला पावर प्लांट जनवरी 2021 तक चालू कर दिया जाएगा, और वहीं दूसरा और तीसरा पावर प्लांट भी 6-6 महीने के इंटरवल के बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये पावर प्लांट यूपी स्टेट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस पावर प्लांट से 75% पावर यूपी स्टेट को ही सप्लाई की जाएगी। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी अपडेट है, क्योंकि यूपी में अभी भी बहुत सारे ऐसे विलेज हैं जहाँ पर लोगों को बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स को लेकर, जहाँ पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने के लिए 1,71,000 करोड़ का खर्च आने वाला है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 855 किलोमीटर लंबा होगा, जो दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ होता हुआ वाराणसी तक जाएगा। इसके बाद इस कॉरिडोर को वाराणसी से कोलकाता तक वाया पटना एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जिसमें वाराणसी से पटना 250 किलोमीटर के लिए 50,000 करोड़ और पटना से कोलकाता 530 किलोमीटर के लिए 1.06 लाख करोड़ का खर्च आने वाला है। दोस्तों, अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बाद सबसे पहले इस कॉरिडोर पर ही काम किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली अहमदाबाद 886 किलोमीटर के लिए 1.77 लाख करोड़, हैदराबाद बेंगलोर 618 किलोमीटर के लिए 1.23 लाख करोड़ और नागपुर वाराणसी 855 किलोमीटर के लिए 1.71 लाख करोड़ का खर्च आने वाला है। तो दोस्तों, अभी तो इन प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट सामने निकल कर आई है, और देखने वाली बात तो ये होगी कि गवर्नमेंट कितनी जल्दी इन प्रोजेक्ट्स पर काम स्टार्ट करती है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो गुजरात के भावनगर में भावनगर पोर्ट को एक कार्गो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करने जा रहे हैं। दोस्तों, करंटली इंडिया में कहीं भी कार्गो कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, और इंडिया को जितने भी कार्गो कंटेनर्स की ज़रूरत होती है वो सभी चाइना से इम्पोर्ट करता है, और वहीं चाइना ग्लोबली 90% कार्गो कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। इससे होता ये है कि चाइना से इम्पोर्ट करने के बावजूद जब तक ये कंटेनर्स इंडिया में पहुँचते हैं, तब तक इनकी कॉस्ट 40% तक राइज हो जाती है, जिससे कि गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा नुकसान और खर्च होता है। लेकिन इन कार्गो कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने के कारण इस तरह के सभी नुकसानों से बचा जा सकता है, और ये प्रोजेक्ट इंडिया के आत्मनिर्भर भारत के लिए एक काफ़ी बड़ा बूस्ट है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ऑर्डर दिया है कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए डेडिकेटेड कोर्ट्स को जल्दी से जल्दी सेटअप करे। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कई तरह के डिस्प्यूट्स के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो अक्सर बीच में ही रह जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक कंप्लीट ही नहीं हो पाते हैं। इनका मेन रीज़न ये हमारी कोर्ट्स हैं, क्योंकि इन कोर्ट्स में इतनी ज़्यादा मात्रा में केस पेंडिंग पड़े रहते हैं
कि एक केस की सुनवाई होने के बाद अगले केस की सुनवाई 3-4 महीने यहाँ तक कि 1 साल भी लग जाता है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स डिले होते चले जाते हैं। लेकिन इन डिस्प्यूट्स के लिए डेडिकेटेड कोर्ट्स बन जाने के बाद इस तरह के सभी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूपी अयोध्या से, जहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अयोध्या में एक न्यू ग्रीनफील्ड मॉडल फ्यूचर सिटी को सेटअप करने जा रहे हैं। ये सिटी फुली ग्रीनफील्ड होगी, जो 1200 एकड़ के एरिया में फैली होगी, और इस सिटी का कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन राम मंदिर के आसपास ही किया जाएगा। इस सिटी की खास बात ये होगी कि इस सिटी का निर्माण रिलीजियस और टूरिज्म एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ये सिटी वैदिक रामायण और वैदिक आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी। इस सिटी की DPR को तैयार करने के लिए टेंडर भी फ्लोट कर दिए गए हैं। इस सिटी का डेवलपमेंट प्लान 30 सालों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को यहाँ पर बसाया जा सके। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटका से, जहाँ पर यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा कर्नाटका में 11,000 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। ये टोटल 33 हाईवे प्रोजेक्ट्स थे, जिनकी टोटल लेंथ 1,197 किलोमीटर थी। इन हाईवे प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स रोड वाइडनिंग, अपग्रेडेशन और एक्सपेंशन से रिलेटेड थे। इसके अलावा यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने यह भी अनाउंस किया है कि आने वाले अगले 3 सालों में कर्नाटका में 69 और प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें गवर्नमेंट की तरफ से 68,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ये सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स कर्नाटका में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और बेहतर करने के साथ साथ कर्नाटका स्टेट के सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी योगदान देने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।